अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है दी रेनबो। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, इन दिस पोएम वी हैव टू स्टैंजा। वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचर। इस पोएम में पोएट बता रहा है, बात कर रहा है नेचुरल ब्यूटी की, जिसमें रेनबो के बारे में हम बात करेंगे। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल्स ऑन द सी। जो छोटी कश्तियाँ होती हैं वो दरियाओं में तैरती हैं, और जो बड़ी शिप्स होती हैं वो समंदरों में तैरती हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन दीज। लेकिन जो आसमान बादलों से ऊपर जो बादल तैर रहे होते हैं वो इन दोनों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। सेकेंड स्टैंजा, देर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज। जो बड़े बड़े ब्रिजेस बने होते हैं, ब्रिजेस पुल जो बने होते हैं रिवर्स के ऊपर, दरियाओं के ऊपर, वो भी हमें देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। हम कहीं दूर खड़े होकर समटाइम जब किसी दरिया या दरिया के ऊपर से कोई ब्रिज देखते हैं तो वो हमें देखने में बहुत प्यारा लगता है। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवर टॉप्स द ट्री एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रीटियर फॉर देन दीज। इसमें शायर बयान करता है कि लेकिन जो एक ब्रिज बनता है अर्थ से लेके स्काई तक और स्काई से लेके दोबारा अर्थ तक, उस जैसा कुछ भी नहीं होता जो दरख्तों के ऊपर से, समंदर, दरिया, हर चीज़ के ऊपर से गुजरता है। यहाँ पे शायर ने रेनबो के बारे में ज़िक्र किया है कि रेनबो जो है अर्थ से लेके स्काई तक और स्काई से लेके दोबारा अर्थ तक जो एक प्यारा सा ब्रिज बनाता है, उस जैसा देखने में कुछ नहीं होता, वो एक रोड बना देता है। और शायर एक इसमें अपने ख्याल बता रहा है, अपनी इमेजिनेशन बता रहा है कि कभी कभी दिल करता है कि इसके ऊपर चलना शुरू कर दें इसको, वो रोड कंसिडर कर लेता है और चलते चलते हम आसमान पे भी पहुंच जाएंगे। कुछ छोटा सा शायर के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि शायर की सोच यहाँ पे ये है। ठीक है, हम इसको दोबारा रीड कर लेते हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई एज प्रिटियर फॉर देन दीज। ओके, इस टॉपिक में, पूरे टॉपिक में शायर जो है वो नेचुरल ब्यूटी को अपने अल्फाज में बयान करना चाह रहा है कि जो रेनबो बनती है, हम सब ने अक्सर बारिश के बाद रेनबो को देखा हुआ है कि वो एक आर्च शेप में अर्थ टू स्काई जो है बन जाती है और देखने में बहुत प्यारी लगती है, हम सबको वो बहुत पसंद भी होती है। बस इसी बारे में शायर की एक छोटी सी स्टोरी थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।